हाँ तो प्यारे बच्चों, ये जो तस्वीर में आपको पक्षी दिखाई दे रहे हैं, ये साइबेरिया के सारस हैं। इन्हें साइबेरियन क्रेन भी कहते हैं। जब साइबेरिया में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, यानी कि बहुत तेज ठंड पड़ती है, तो उस समय ये वहां से उड़कर अपने राजस्थान के भरतपुर जिले में आ जाते हैं। और भरतपुर में इनको रहने के लिए एक अभयारण्य या उद्यान, यानी कि बहुत बड़ा बगीचा मिलता है, जिसे घाना पक्षी विहार भी कहते हैं। और इसका नाम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी केवलादेव नेशनल पार्क है। अब अपन इसका मानचित्र के माध्यम से अध्ययन करेंगे। ये हमें हमारी पृथ्वी का मानचित्र दिखाई दे रहा है। इसमें ये यहाँ रूस में साइबेरिया है। यहाँ से ये साइबेरियन पक्षी उड़कर अपने यहाँ भारत में, ये जो आपको दिख रहा है लाल रंग का जो गुब्बारे जैसा चिन्ह, यहाँ घाना पक्षी विहार यानी कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर अधिक ठंड पड़ने पर ये उड़ करके अपने यहाँ कुछ दिनों तक रहते हैं। उसके बाद में जब सर्दी कम हो जाती है, तो यहाँ से उड़कर वापस साइबेरिया पहुंच जाते हैं। अब अपन इसका मानचित्र के माध्यम से इसका अवलोकन करें, तो ये अपन को ये भारत देश पूरा दिखाई दे रहा है। इंडिया लिखा हुआ है। भारत में अपना ये जो राज्य है, ये राजस्थान, ये इतना भाग राजस्थान का है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, यहाँ इसके पास में पंजाब, हरियाणा, ये अपनी भारत की राजधानी नई दिल्ली। जयपुर से यहाँ भरतपुर में ये केवलादेव नेशनल पार्क, ये यहाँ सड़क मार्ग दिखाई दे रहा है। ये राजस्थान में प्रमुख शहर बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको और अपन बढ़ा करके देखें, तो हमें ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर शहर, भरतपुर जिले में, यहाँ ये केवलादेव जो हरे रंग की आपको ये दिखाई दे रही है, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। तो आज हमने ये केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है, इसके बारे में इसको समझा। अब अपने इसका अगर सैटेलाइट के द्वारा इसको अपन देखें, तो सैटेलाइट में ये कैसा दिखाई देगा, तो देखिए ये सैटेलाइट में यानी कि उपग्रह के द्वारा देखने पर हमें पृथ्वी ऐसी दिखाई देती है, ये साइबेरिया। और यहाँ से उड़कर ये पक्षी अपने इंडिया में पहुँचते हैं। इसकी आकृति को अपन बड़ा करके देखें, तो हमें ये यहाँ पर ये केवलादेव नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है। ये यहाँ इसमें नदियां, ये पहाड़, ठीक है, ये सारी संरचनाएं सैटेलाइट के माध्यम से हमें दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से हमने घाना पक्षी विहार यानी केवलादेव नेशनल पार्क को मानचित्र के माध्यम से और सैटेलाइट के माध्यम से देखा और समझा। धन्यवाद।